तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, अगर आप भी एक एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर है एंड आपका अकाउंट है जो टेम्पररी ब्लॉक हो गया या तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, अगर जो आप लोग किसी को पैसा भेज रहे होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा आपका अकाउंट है जो टेम्पररी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। ओके गाइस, इस तरीके से आप लोग को एयरटेल पेमेंट बैंक में एरर आ रहा होगा। तो इस तरीके का अकाउंट आप लोग को अनब्लॉक कैसे करना है या तो अनफ्रीज आप लोग को कैसे करना है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना एयरटेल पेमेंट बैंक है जो उसको आप लोग को अनब्लॉक आप लोग करा सकते हो या तो आप लोग अनफ्रीज आप लोग करा सकते हो। आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, अगर जो उसमें आप लोग को पैसा फंसा हुआ है, उससे आप लोग को किसी को पैसा आप लोग नहीं भेज पा रहे हो या तो आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोग मतलब ब्लॉक से अनब्लॉक आप लोग करा सकते हो। ओके गाइस, तो वीडियो को इन तक आप लोग बने रहे, इस वीडियो में आप लोग को सारा चीज आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग को अपना एयरटेल पेमेंट बैंक है जो उसको आप लोग को अनहोल्ड करा सकते हो, उसमें आप लोग को अनब्लॉक कैसे करना है आज की इस वीडियो में सारा चीज आप लोग को बताने वाला हूँ। उसमें क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं एंड आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग को अपना एयरटेल पेमेंट बैंक को आप लोग को अनहोल्ड करना है या तो आप लोग को अनब्लॉक करना है या आप लोग अनफ्रीज आप लोग कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आप लोग को जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में मैं आप लोग को बता देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपना लगा देता हूँ, सबसे पहले आप लोग को अपना आधार कार्ड का अपना जीरोक्स करवा लेना है। ओके गाइस, देन उसके नीचे यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर आप लोग को कर लेना है। देन आप लोग को अपना अकाउंट नंबर जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का है जो मोबाइल नंबर होता है वो आप लोग को नीचे इस तरीके से आप लोग को लिख देना है। देन आप लोग को अगर जो एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोग पैन कार्ड अपडेट ऑलरेडी करा चुके होंगे तो उसका भी इस तरीके से नीचे आप लोग को यहाँ पे पैन कार्ड आप लोग को लगने वाला है। ओके गाइस, देन आप लोग को जो आधार कार्ड का यहाँ पे 12 अंक होता है, 12 डिजिट होता है, उसमें से आप लोग 4 अंक लास्ट वाला आप लोग को छोड़ देना है एंड आप लोग को 8 अंक जो होता है शुरू से फर्स्ट का 8 डिजिट उसको आप लोग को मतलब कि ब्लर कर देना है, उसमें आप लोग को नहीं दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप लोग को नहीं दिखना चाहिए। ओके गाइस, इस तरीके से आप लोग को अपना एक डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार कर लेना है, आपका आधार कार्ड का दोनों साइड का जेरोक्स कॉपी हो। ओके गाइस, एंड उसमें आप लोग को ब्लर कर दिया हो, यहाँ पे आप लोग ब्लर कर दीजिएगा जो 8 डिजिट है, जो फर्स्ट लेटर आप लोग को आधार नंबर में 12 अंक होता है उसमें आप लोग को 8 डिजिट आप लोग को ब्लर कर देना है एंड नीचे आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे मैं आप लोग को सैंपल आप लोग को दिखा देता हूँ, देन आप लोग को सिग्नेचर वगैरह कर देना है। देन आप लोग को अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भी आप लोग पैन कार्ड अपडेट किए हैं उसमें आप लोग को यहाँ पे पैन कार्ड भी आप लोग को नीचे अटैच कर देना है। देन आप लोग को इस तरीके से आप लोग को लेटर लिखना पड़ेगा जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। इस तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भी आप लोग को मतलब परेशानी आ रहा है उस तरीके से आप लोग को एयरटेल पेमेंट बैंक वाले के आप लोग को एक लेटर आप लोग को लिख देना है। देन आप लोग को किस तरीके से इसको आप लोग को मतलब सेंड करना है एयरटेल पेमेंट बैंक वाले को, अब मैं उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को एयरटेल पेमेंट बैंक एप्लीकेशन जो होता है एयरटेल माई एयरटेल थैंक्स ऐप उसको आप लोग को प्ले स्टोर से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। देन आप लोग को उसको ओपन करना है। ओके गाइस, इस तरीके से आप लोग को ओपन करना है। अब मैं चलता हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में एंड आप लोग को बताता हूँ कैसे उसमें आप लोग को अपना है जो डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है एंड वहाँ पे आप लोग को 24 से 48 घंटा में आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है जो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ओके गाइस, आप लोग को कैसे उसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट अपडेट करना है इस तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर एंड आप लोग को बताते हैं कैसे आपको अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है एंड वो रिव्यू करेगा एयरटेल पेमेंट बैंक के जो पदाधिकारी होते हैं वो रिव्यू करेंगे एंड आप लोग को एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अनहोल्ड कर देंगे मतलब अनब्लॉक कर देंगे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं एंड आप लोग को बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोग को अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उसको सिंपली आप लोग को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओके गाइस, ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे प्रोफाइल का, सिंपली इसी के ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा देन आप लोग को यहाँ पे एक बैंक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, देन आप लोग को यहाँ पे एम पिन भी मांग सकता है, तो आप लोग अपना एम पिन यहाँ पे फिलअप करके इस तरीके से आप लोग को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोग को जाना है। ओके गाइस, इस तरीके से आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए जाइएगा तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नीड मोर हेल्प का, इस तरीके से आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा बहुत सारा आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ओके गाइस, इस तरीके से कुछ बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को शो हो जाएगा।
तो इसमें क्या यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे अनावल टू ट्रांजेक्ट कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको आप लोग को सिलेक्ट करना है। तीन नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोग को सिलेक्ट करना है, देन आप लोग को यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे आप लोग को लिखना है जो भी आप लोग को परेशानी आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोग को चलाने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपका है जो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक है जो टेम्पोरली ब्लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग को टेम्पोरली ब्लॉक के बारे में कुछ भी आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर आप लोग को टैप करना है, जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आया फोटो का, ओके गाइस, देन आप लोग को नीचे एक ऑप्शन आया डॉक्यूमेंट का। तो आप लोग को अपना पीडीएफ में आप लोग अगर जो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग को टैप करके आप लोग पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक में जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करने वाले हैं आधार का जीरोक्स एंड आप लोग उसमें सिग्नेचर कर दीजिएगा एंड आप लोग को उसमें जो भी मैं बताया हूँ उस तरीके से आप लोग को रेडी करके आप लोग को उसको पीडीएफ में आप लोग को कन्वर्ट कर लेना है। देन आप लोग को यहाँ पे जो लेटर वगैरह लिखे हैं वो दोनों लेटर और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो लिखे हैं उसको और आप लोग को आधार का जो मतलब कि डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को दोनों को अटैच कर देना है एक ही में, एक ही पीडीएफ में। देन आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग को टैप करके आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना अटैच कर लिया हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग को अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कॉमेंट में यहाँ पे कुछ लिखना है आप लोग को, तो चलिए क्या लिखना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख के ऑलरेडी रख चुका था, तो इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है। देन आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को लिखना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ हाय सर आई एम रोशन कुमार माई एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर दिस इज, मतलब आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर है मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। एंड आप लोग को विच हैज बीन टेम्पोरली ब्लॉक फॉर अ फ्यू डेज एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एनी ट्रांजेक्शन ड्यू टू दिस, इफ यू हैव टू वेरीफाई माई डॉक्यूमेंट केयरफुल्ली I have attached all my documents. Please check all document and unblock my account. इस तरीके से आप लोग को इसमें लिखना है टेक्स्ट, ओके गाइस, इस तरीके से आप लोग को लिख दीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ पे लिख देने के बाद मैं ये जो टेक्स्ट में जो लिखा हूँ ये अगर जो आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कॉपी करके यहाँ पे आप लोग पेस्ट करके आप लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग कुछ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ही आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, देन आप लोग को सेम टू सेम आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सबमिट के ऊपर आप लोग को टैप करना है, सबमिट के ऊपर यहाँ पे टैप कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे उधर से मतलब रिप्लाई आएगा, आपका जो आप लोग को केस नंबर होता है वो आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को 48 घंटा यहाँ पे वेट करना है, 48 घंटे के अंदर आप लोग को यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट मतलब अनफ्रीज होगा या नहीं होगा, वहाँ से आप लोग को लिख के आ जाएगा। अगर जो अनफ्रीज हो जाएगा तो 48 घंटे के अंदर ही आप लोग को अनफ्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को अपना एयरटेल पेमेंट बैंक एप्लीकेशन में आप लोग को डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, वहाँ पे आप लोग को इस तरीके से आप लोग को केस नंबर आप लोग को उधर से मिल जाएगा, देन आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सारा चीज आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बोला जाएगा कि आप लोग को जो 48 घंटे के अंदर आप लोग को इसका रिव्यू मतलब कि वो कंपनी वाले यहाँ पे देख लेंगे एंड आपको एयरटेल पेमेंट बैंक है जो अनहोल्ड कर दिया जाएगा, आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक फ्रीज है जो उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोग डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कीजिए एंड आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक में जो भी आप लोग को परेशानी आ रहा है वो परेशानी दूर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफी यूजफुल लगा होगा, अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।